बोलिए सदगुरुदेव की जय। मुदमंगलमय संत समाज, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी और उस पर थोड़ी देर विचार। अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री मणिन्द्र साहब जी द्वारा। तो बोलते हैं एकदम कहाँ श्वास लेता है पता ही नहीं चलता है, एकदम छक 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 चलते हैं। मुझे उस शायर की वो शायरी याद आती है, उनकी जुबान चलती है तलवार की तरह, उनकी जुबान चलती है तलवार की तरह, और हम अदब से बैठे हैं गुनाहगार की तरह। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। साहब कहते हैं ये मन क्या करता है, मन स्वार्थी आप रस, ये मन कैसा है, स्वार्थी है, अपने इंद्रियों के स्वाद के लिए स्वार्थी। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, ये विषयों की लहर फहराते रहते हैं। मन के चलाए तन चले, और जब मन चलता है तो ये तन भी चलने लगता है। जब मन विचलित होता है तो फिर ये तन भी विचलित हो जाता है, और फिर जाते सर्वस जाए। साहब कहते हैं फिर सब कुछ वहीं पर सर्वस्व 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 नष्ट हो जाते हैं। साधक के लिए साखी बहुत ही मार्मिक है। अभी साधना पर सुन ही रहे थे समाज और एकांत। मन का बड़ा महत्व है, चाहे समाज में रहे चाहे एकांत में रहे। ये मन से अगर हम सावधान नहीं हैं, संत लोग कहा करते हैं, अभी कह रहे थे कि अगर मन को हम नहीं साधा है तो एकांत में एकांत हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। समाज में भी रहेंगे और मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर समाज में तो तमाम प्रकार के देख ही रहे हैं क्या क्या घटनाएं घटती है। साहब ये साखी कहते हैं मन स्वार्थी आप रस। मन कैसा है, स्वार्थी है। स्वार्थी आदमी आप लोग जानते हैं ना, किसी को कॉमन तौर पर कहते हैं अरे ये बड़ा स्वार्थी आदमी यार। स्वार्थी आदमी का लक्षण क्या है, स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में। वैसे गुरुदेव जी स्वार्थी का एक अर्थ करते हैं कि पक्का स्वार्थी हो जाइए, अध्यात्म क्षेत्र के लिए बात करते हैं, मैं तो पक्का स्वार्थी हो गया, तुम लोग भी पक्का स्वार्थी हो जाओ। पक्का स्वार्थी का मतलब स्व और अर्थी, अर्थ स्व अपने खुद और अर्थ कैसे होगा भाई, अर्थ माने प्रयोजन, अपने कल्याण के लिए पक्का स्वार्थी हो जाओ। दुनिया की चिंता छोड़ दो, किसकी शादी किसकी गम, वो अल्लाह दम पे दम। आग लगे बस्ती में और साधु लोग रहे मस्ती में, मस्त रहे मस्ती में। तो वो स्वार्थी, यहाँ पर मन की बात चल रही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन स्वार्थी आप रस, मन स्वार्थी है,
मैं कह रहा था कि स्वार्थी आदमी का लक्षण क्या होता है, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, अपने पक्ष के बारे में सोचते हैं, अपने केवल फायदे के लिए सोचते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये आदमी पक्का स्वार्थी है, वो दूसरे के दुख दर्द उसको नहीं दिखता है, उस दूसरे के सुख सुविधा उसको नहीं दिखती है, उसको केवल अपना ही सुख सुविधा के बारे में जो सोचते हैं उसको हम कहते हैं यार ये पक्का स्वार्थी है, ये आदमी स्वार्थी यार, स्वार्थ होगा तभी ये काम करेगा यार, स्वार्थ होगा तभी ये साथ में चलेगा यार। ये मन ऐसे ही स्वार्थी है, कबीर साहब कहते हैं मन स्वार्थी, ये मन स्वार्थी है। मन करता क्या है, मन हमारे आत्मा के ऊपर भ्रम का पर्दा डालते हैं, भ्रम का पर्दा, जो हम दुख पाते हैं वो किस लिए पाते हैं, क्योंकि भ्रम है। और सबसे बड़ा जो भ्रम है वह है सुख का भ्रम, कि कहीं से हमें सुख मिलेगा, ये कर लेने से सुख मिलेगा, ये करने लेने से मतलब कहीं तीर्थ व्रत योग तप दान पुण्य कर लेंगे तो सुख मिलेगा। आम लोगों में ये साधारण सी बात है, लोग सुख के लिए सारी चीज़ें करते हैं। संत लोग बड़े बड़े त्यागी तपस्वी वैराग्यन हुए, वो नाना प्रकार के हठ योग षटचक्र भेदन और क्या क्या ये सारी चीज़ों में अपने शक्ति को लगाते हैं कि इससे परम शांति मिलेगी। खास चीज ये सारी चीज़ें विषय है और विषयों से कभी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सारे विषय दृश्य है, बाहर का है, वह हमसे अलग है। और जो हमसे अलग की जो वस्तु है उसे हम किसी भी प्रकार से ग्रहण कर लेंगे तो एक ना एक दिन वह छूटेगा, और जो चीज़ छूटने वाली है उससे सुख कैसे मिलेगा। ये मन स्वार्थी है, ये भ्रम का हमारे आत्मा पर पर्दा डालते हैं, इसी को कबीर साहब ने कहा है घूंघट का पट खोल रे, वह ज्ञान के पर्दा जब तक नहीं खोलेगा तब तक वो प्यू नहीं मिलने वाला है, मतलब आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। वो भ्रम के पर्दा को, वह ज्ञान के पर्दा को हटाना पड़ेगा। इसी वजह से हम आत्मा से दूर होते जाते हैं, और जितना दूर होते जाएंगे अपने आत्मा से उतना ही मन हम पर हावी होता जाएगा। फिर मन हमारे बस में नहीं होगा, हम मन के बस में होंगे, लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वह क्या होता है, गलत होता है, और गलत चीजें दुखदाई होता है स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए। गलत खा पी लीजिए, पेट झरने लगेगा, सर भारी लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कोई चीज़ है फायदेमंद है, कुछ बता दिए कि ये खाने से बड़ा फायदा होगा। अभी मैं चार दिन पहले सुना था यार मिर्चा खाने से कब्जियत नहीं होती, मैं सुना था। अब मिर्चा खा लिए तो कहने लगे कि लगता है कि मिर्चा की वजह से पेट झरने लगा, अभी पेट झरने वाला चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि यार भुट्टा खाने से बड़ा फायदा होता है, पेट साफ करता है। अब भुट्टा खाए कि नहीं खाए पता नहीं, लेकिन अभी ये शिकायत आ रही है। तो लोग सुनते हैं, लोग अपने अपने तरीका से अर्थ लगाते हैं कि यार उसका पेट झर रहा है, हो सकता है भुट्टा खा दिया होगा ज़्यादा फायदा है करके तो सुन लिए थे।
भोजन से फायदा तो होता है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तब क्या होगा, नुकसान हो गया। स्वास्थ्य हमारा कहाँ ठीक रहा? स्वास्थ्य ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, सर में भारीपना। अब मन का लाभ लेना है, स्वास्थ्य का लाभ लेना है, तो भाई संतुलित जरूरी है। विज्ञान का कहता है 60% भोजन और 40% में पानी और हवा। अब ये पृथ्वी भी ऐसे ही ग्रहण किए कहते हैं भाई, 40% में पानी, पृथ्वी में 40% पानी ही कहते हैं, 60% पानी और 40% मिट्टी, ये चीज बताते हैं। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो जब 60% भोजन और 40% पानी और हवा के लिए जगह छोड़ेंगे तब ये स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और कोई धमका के खा दिए इस चीज़ में लाभ, इस चीज़ में लाभ है करके, तब क्या होगा, बार बार टॉयलेट फिर जाना पड़ेगा, सर में भारीपना, फिर सारी डाल लो सर दर्द के लिए। ये मन स्वार्थी है, ये विषयों की लहर फहराते हैं, विषयों को बार बार हमारे सामने ला करके खड़ा करते हैं, विषयों में हमें सुख दिखाता है ये मन। मन झूठी आश्वासन देता है कि ये कर लेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, ये कूपन अभी निकला है, अगर कहीं आप इसको अपने ईमेल डाल करके आप ऐसा करते हैं, टच करते हैं, तो 5001 का आपके अकाउंट में आ जाएगा। चलता है आजकल, चल रहा है। और उसके चक्कर में उल्टा लोग अपने 5001 रुपया दे डालते हैं। मन में लाभ जचा था ना कि 5001 लाइक का सवाल है, एक बार टच करना है, 5000 रुपया हमारे अकाउंट में आया नहीं, चला गया। ये बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें ऐसा होता है, मन हमें झूठी आश्वासन देता है और हम उसको करते हैं, बदले में क्या मिलता है, दुख मिलता है, बदले में दुख मिलता है। ये विषयों की फहर लहर हमारे सामने ला करके खड़ा करते हैं। पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय और इसके ज्ञान इंद्रिय आँख नाक कान जीभ चाम और त्वचा, इसके ज्ञान इंद्रिय। और फिर इसी पांचों विषयों में सब कुछ आ जाता है, जितना हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, त्यागते हैं। जब इस मन को हम स्वार्थी को कहीं परमार्थी में लगा दिए, इस स्वार्थी मन को कहीं हम परमार्थी बना दिए, तब ये जो विषयों की लहर है उस लहर से हम अपने को ऊपर उठा लिए, तब लहर तो सब जानते हैं ना, जापान में तो आता ही रहता है लहर, सबसे भयानक जो सुनामी लहर, सुने होंगे नाम, सुनामी लहर 2004 में आया था, 2.5 लाख लोग मरे थे उसमें, 2.5 लाख लोग, 2,30,000 मरे थे। पानी पानी उसकी रफ्तार कितना है, एरोप्लेन की गति के बराबर, एरोप्लेन के गति के बराबर उसका रफ्तार, 2.5 लाख लोग मरे थे उसके जो चपेट में आ गए, हजारों किलोमीटर तक उसका
पानी, कुछ लोग बच गए। एरोप्लेन जो उड़ने वाली है, ये घटना घटी, एरोप्लेन उड़ने वाली थी, उड़ गए वो बच गए। लेकिन जो लोग नहीं उड़ पाए थे, जिसकी प्लेन अभी लग रही है, प्लेन में बैठे हैं, वो सब मारे गए। जिसकी प्लेन ऊपर उड़ गई वो बच गए। ऐसे ही स्वार्थी मन को जब हम परमार्थी बना देंगे, कौन बनाएगा? हमको बनाना है। ये मन स्वार्थी आपरस, आदमी को स्वार्थी नहीं कहा है कबीर साहब ने, यहाँ पर मन को स्वार्थी कहा है। और किसी के मन की बात नहीं करते हैं, वो सबकी मन की बात करते हैं, क्योंकि सबके पास मन है और सबके पास मन है और मन स्वार्थी होता है। सदगुरु कबीर साहब साफ कहते हैं, आदमी की बात नहीं करते हैं कि आदमी बड़ा स्वार्थी है, मन की बात करते हैं और सबके पास मन है और मन से सब ठगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह पक्का स्वार्थी है। और इसको हम परमार्थ में लगा दिए, परमार्थी बना दिए, तब क्या होगा जीवन? तो फिर आनंद से भर जाएगा जीवन, फिर तो आनंद ही आनंद, हंसी ही हंसी, हंसी खुशी की जीवन। फिर तो सारे दुख दूर, सारी शिकायतें दूर। सामाजिक तौर पर शिकायत कहना सुनना पड़ता है, वो अलग बात है, उसका समाधान है। लेकिन जो मन की शिकायत है, मन की शिकायत किससे? दूसरे से थोड़ी, मन की शिकायत खुद से है। खुद अपने मन से हम ठगे जा रहे हैं, खुद अपने मन से हम दुख पा रहे हैं, अपने मन की वजह से बेचैनी है। बाहर के शिकायत का तो समाधान हो जाता है, और खुद के मन जो हमें बेचैनी कर रहा है उसका समाधान कौन करेगा? लेकिन अगर हमने इस मन को स्वार्थी से परमार्थी बना लिए, तो फिर मन में आनंद ही आनंद, सारे शिकायत दूर। और जिसकी शिकायत दूर, वही शांति से रहता है, उसी को अपना मंजिल मिलता है। किसी शायर ने कहा है, जिन्हें मंजिल पर जाना है वह सिकवा नहीं किया करते, जिन्हें मंजिल पे जाना है वह सिकवा नहीं किया करते, जो सिकवे पर उलझ जाते हैं वे मंजिल पे पहुंचा नहीं करते। मंजिल चाहिए, मंजिल की सब निकले हैं। हम लोगों की उड़ान, ये संत समाज की उड़ान, इसकी जो गति है, कहाँ के लिए भर रहे हैं? इतनी जो गति जो भरी जा रही है साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, इतना सब लगा रहे हैं वो, ये वेग किस लिए भरी जा रही है? ये कहाँ उड़ के जाना है? मंजिल, मंजिल तक जाने के लिए सब अपनी अपनी मंजिल देख रहे हैं, सबको अपने अपने तरीके से मंजिल दिख रहा है। हमारे नए नए साथी लोग देखो, बीजक पर इतने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इतने जी तोड़ मेहनत, कोई 20 साल के हैं उसकी मेहनत देखो, कोई 40 साल के है उसकी मेहनत देखो। वो 40 साल वाले की मेहनत के सामने तो 20 साल वाले फेल है, 20 साल वाले को तो धोखा हो सकता है, अभी तो बहुत उम्र है, कर लूँगा आज कल परसों इस साल उस साल। वो 40 साल वाले देख रहे हैं, मेरा टारगेट बहुत जल्दी हासिल करना है। 60 साल वाले, 70 साल वाले जी तोड़ मेहनत, वो दिख रहा है मंजिल उसको, वो उड़ के जाना चाहते हैं, उस चीज को पाना चाहते हैं। जिसे 6 साल पहले देखते थे कैसे दिखते थे, अब उन लोगों को देखो कैसे चिकन चिकन चमक आ गई है, चलने
उठने बैठने बोलने का चाल ढाल बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वार्थी मन को परमार्थी बना दिया, परमार्थी बनाने में लगे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम कूप। गोस्वामी जी कहते हैं जो काम क्रोध मद लोभ में जो रत है, जो इसके घेरे में जो आ गया है, उसका जीवन कैसे हो जाता है? दुख रूप हो जाता है। जो अपने मन के चक्कर में पड़ जाते हैं उसका जीवन दुख रूप, हम जाने या ना जाने। संत लोग कहा करते हैं ना, कोई दूसरा जाने ना जाने, लेकिन हम अपने मन की गति हम जानते हैं, मन हमें कैसे ठगते हैं हम जानते हैं, मन की वजह से हम कैसे दुख पाते हैं हम जानते हैं, मन की वजह से हम कैसे जागते हैं हम जानते हैं, मन की वजह से कैसे सोते हैं, कहां कहां सो जाते हैं, कोई ठिकाना है कहां सुला दे मन? मन कहां सुला दे, कहां सुख मान करके सुला दे। सत्संग हाल की बात नहीं, कहां सुख मान के सुला देगा, कोई ठिकाना नहीं है। कहां सुख दर्शा देगा, दुख में भी सुख दर्शा देता है मन, तो वहीं सो जाते हैं आदमी, उसी दुख को सुख मान के सो जाते हैं। तो ये गोस्वामी जी कहते हैं ये दुख रूप हो जाता है फिर जीवन, फिर वह अपने प्रभु को नहीं जान पाते हैं। मूढ़ परे तम कूप, कूप कुआं, तम परे तम कूप, तम मन अंधकार, अंधकार के कुआं में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भी जब मन को नहीं समझ पाते, जब मन के चक्कर में आ जाते हैं, तो वह भी अंधकार रूपी काल कोठरी जेल में चले जाते हैं, जिसके पीछे लाखों की संख्या में लोग चलते थे। जब वो भी अपने मन के चपेट में आ जाते हैं तो काल कोठरी रूपी जेल में चले जाते हैं। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, सब जानते हैं, क्योंकि मन की बात कर रहा हूं और सबके पास मन है, सब अपने मन को जानते हैं, सब धोखा खाए हैं, मेरी ही बात थोड़ी है। हाँ, तो सब बड़े बड़े लोग धोखा खाए हैं, तो हम लोग, लेकिन जो समझते हैं उससे पार पाते हैं। इसलिए मन से सावधान, मन से सावधान। पता नहीं ये कब कहां कैसे ठग ले, कहां कैसे धोखा खा जाए। धोखा खाते आया है धोखा, दुनिया में धोखा खाते तो आ रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। पति पत्नी ट्रेन में जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद पत्नी कहती है अपने पति से, ए जी सुनिए, अरे क्या हुआ भाई, मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं। अच्छा, दर्द दे रहे हैं, अच्छा लाओ हाथ। हाथ ले लिए, चूम लिए, कहे कुछ फर्क पड़ा? कहे हाँ जी आराम लगा। कोई नई चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ, कोई नई चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ। अभी आप एक्यूप्रेशर वाले के पास जाइए, आप कहेंगे कि ये पीठ में दर्द है, तो आपके हाथ को लेकर के दबाएंगे, दबाते ही कहेंगे कुछ फर्क पड़ा, तो आप हाँ कह दे तो ठीक है, नहीं कहे ना तो फिर दूसरा पॉइंट लेके दबाएंगे, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा। हाँ कह दे तो ठीक है, नहीं कहे तब फिर वो निकालते हैं सूजा वाला। कर
संत श्री करुणेन्द्र साहब को लेकर के चश्मा बनवाने गया था, चश्मा चेक कराना था, चश्मा बनवाना था। डॉक्टर के पास गया, बैठा दिए और वो ऐसा दो आँख वाला खाली वाला ऐसा लगा दिए उसके चश्मा को उतार करके, एक में डाले। महाराज उसको देखिए दर्पण के तरफ, उसमें क्या दिख रहा है? ए बी सी डी। अच्छा अब देखिए, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखिए दिख रहा है? नहीं। अब देखिए, अब एक आँख नहीं हुआ है, फिर दूसरे में डाल दी। अच्छा दूसरे आँख से देखिए, अब दिख रहा है? नहीं। अच्छा अब देखिए दिख रहा है? हाँ। दाएँ से देखिए? हाँ दिख रहा है। बाएँ से देखिए? हाँ। फिर दूसरा शीशा डाल दिए, अब दिख रहा है? फिर पावर बढ़ा दिए, अब दिख रहा है? उसने हाँ कहा, मतलब फाइनल हो गया कि हाँ हो गया, ये शीशा सही है। वो आ गए, लाने का जब हुआ अब तो बन गया, जो भी देना था दे दिए। लाए बीरेन साहब ले करके आए, हम लोग तो आ गए थे। बीरेन साहब ले करके आए, ए भाई तुम्हारा चश्मा दो दिन बाद। अच्छा डेना साहब की दे दिए पहने। हाँ ले पढ़ के बता। या मोला टेक को करनी टीका थे कहते। अरे तो चेक कराने कौन गया था? मैं ही गया था। तो कैसे नहीं दिखा? ठीक से देखो। नहीं साहब सही कहा था, एक को करनी दिखा थे, मना जरा भी नहीं दिख रहा है। अरे चेक कराने तो तुम ही गए थे। हाँ गया था, तब कैसे चेक कराए? वो तो एक ठक निकाले नहीं है, एक शीशा निकला नहीं है, दूसरा डाल देता है, दूसरा नहीं निकला है तीसरा डाल देता है। अभी राइट आँख से देखने के लिए कहते, अब लेफ्ट से कहते, अब लेफ्ट से कहते, राइट से कहते। उसने कहा दे गुस्से में आकर के, हाँ हाँ ये सही है, वो फाइनल कर दिया। सावधानी किसको रखना है? अपन को। धोखा कौन खाया है? अपन। मैं क्या कह रहा था, इको प्रेस वाला के पास जाओगे तो दबाते हैं। वो पत्नी कहती है सुनिए जी हाथ में दर्द है, उसके इलाज कर दिया, उसका पति फर्क पड़ गया। फिर दो घंटा बाद कहते सुनिए जी अरे क्या हुआ? मस्तक दुख रहा है, भारी पना लग रहा है। उसके पति कहते अच्छा इधर आओ। उधर आए, उसके मस्तक चूम दिए, फर्क पड़ा? कहते हाँ जी हल्का लगा, भारी भारी लग रहा था, हल्का लगा। ऊपर में बैठा था 80 साल के बूढ़ा, ट्रेन की बात चल रही ना, ट्रेन में ऊपर में बैठा था 80 साल के बूढ़ा। वो सारे देख रहे थे, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। वो कहते हैं सुन बाबू, 80 साल के बूढ़ा कहते हैं सुन बाबू क्या हुआ बाबा जी, कोई दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है? पाइल्स का भी इलाज है क्या? कहते हैं सावधान रहना पड़ेगा ना, कहीं भी मरीज मिल जाएगा ना, कहीं भी मरीज मिल जाएगा। ये मन क्या है, मरीज ही तो है, हमें मरीज बनाता है। ये मन रोगी है, मानस रोग। पढ़िए जानिए सुनिए, अभी कोरोना के पीरियड में लोगों को एकांत की बात कर रहे थे ना साहब जी हमारे, कई लोगों को एकांत कमरे में रखा गया, इतना मरीज, डॉक्टर भी दूर से उसको पाइप के द्वारा से देते हैं दवाई, वो बेचारे पड़ा है महीना भर से एकांत में, माइंडली हो गया। कोरोना तो ठीक होगा या माइंडली का इलाज कौन करेगा? क्यों? क्योंकि एकांत में कभी रहा नहीं, मन को कभी साधा नहीं है। तो मन तो रोगी है, वो हमें रोग बनाता है, रोगी बना दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा जो कबीर साहब जी साखी में बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी सावधानी की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का लहजा मजाकिया तौर पर है, लेकिन जो कबीर साहब कहना चाहता है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा मन से सावधान हमें रहना पड़ेगा, मरीज कहीं भी मिल जाएंगे। ये तो एक पाइल्सा की रोग बताया, ना जाने क्या क्या है, कितना रोग है यहाँ, कितना भरा है मन में। वो रोग को जानते हैं? तो ये तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन स्वार्थी आप रस, विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। मन स्वार्थी है, वो अपने इंद्रियों के स्वाद, वो अपने मन के इंद्रियों के ही स्वाद लेना चाहते हैं।
और हमेशा हमारे सामने में वो विषयों की लहर ले करके आते हैं, विषयों की लहर ही उठाते रहता है। इससे इस चीज़ को ये संत समाज, ये साधक साधु से बढ़कर के कौन समझ सकता है? ये जो मन जो विषयों की लहर लेकर के आता है, हमें भंवर में डाल देता है, विषयों की भंवर में डाल देता है, जिसे पानी की भंवर आता है, पड़ गया तो डूबना ही है, मुश्किल है बचना। उससे भी खतरनाक ये मन की विषयों की लहर है। साहब कहते हैं विषयों की लहर को साधक से ज्यादा और कोई समझ नहीं सकते। यहाँ पूजनीय संत समाज विराजमान है। साहब कहना चाहते हैं कि इस स्वार्थी मन से, विषयों की लहर से हमें अपने आप को बचाना है, और जब हम अपने आप को बचाएंगे तब हम अपने आत्मा के तरफ बढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। नहीं तो धूलमिल रहेगा, वो भ्रम का पर्दा पड़े रहेगा, आत्मा को जानते बावजूद भी हम उससे छूते रह जाएंगे। क्योंकि ये मन, मन के चलाए तन चले, जब मन विचलित होता है तो फिर तन भी विचलित होता है, और जब तन विचलित होता है तो फिर गलत कर्म होता है, और जब गलत कर्म होता है फिर गलत संस्कार बनता है, गलत संस्कार बनता है तो फिर जीवन मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, और यही तो ढोते आ रहे हैं। तो साहब इस साखी में हम सबको सावधान करते हैं, हमें अपने मन से बचना है, सावधानी करना है, स्वार्थी मन को परमार्थी बनाना है, यही काम करना है। अधिक समय के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।